आपको बता दें टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन टीवी शो बिग बॉस 14 में एंट्री ले चुकी है। बिग बॉस सीजन 14 का टेलीकास्ट शनिवार को हुआ। ऐसे में आने वाले 3-3.5 महीने तक दर्शकों का खूब मनोरंजन होने वाला है। बिग बॉस के दूसरे दिन सीनियर कंटेस्टेंट गौहर खान ने अन्य सभी को उनके काम तय किए, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला ने ये देखा कि सोने के लिए किसे कौन सा बेड दिया जाएगा। वहीं पिछले एपिसोड में सिद्धार्थ अपनी दोस्त जैस्मीन को गेम समझाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जैस्मीन, सब लोग अपने तरीके से आएंगे, तुमको इससे क्या लेना देना है। अगर तुम्हारे मन में किसी को भी लेकर कुछ है उसको सीधा बोलो। वहीं जैस्मीन कहती है मैं भी ऐसी हो जाऊं। फिर सिद्धार्थ आगे कहते हैं कि जैस्मीन ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तुम रो क्यों रही हो, जो गलत है या तुमको किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तुम बोलो, तुमको कौन मना कर रहा है, तुम क्यों लड़ाई से निकलकर बेडरूम में आकर बैठ गई हो, तुम बोलो जो तुम्हारा मन करे। जैस्मीन तुम यहाँ पर कोई रोल प्ले करने नहीं आई हो, तुम वो दिखाओ जो तुम असल जिंदगी में हो, बस। वैसे देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या जैस्मीन शो के दौरान अपने असल रूप को बाहर लेकर आएंगी, क्या सिद्धार्थ की बातें जैस्मीन के शो की रेस में आगे रहने के लिए काम आ पाएंगी, ये तो आने वाले एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिष्का शर्मा।